हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दुर्गेश पाठक। आज हम जो वीडियो कवर कर रहे हैं वो अभी आजकल जैसा कि आप देखते हैं बहुत कॉमनली इस डिजीज़ के पेशेंट हमको देखने को मिलते हैं विंटर्स में, चिलब्लेन्स। आपने देखा होगा कि विंटर्स जैसे ही आती हैं हमारे जो पैरों की उंगलियां होती हैं वो लाल हो जाती हैं, उनमें खुजली होने लगती है, वो स्वेल अप हो जाते हैं, और ऐसा महिलाओं को ज़्यादा देखने को मिलता है, हालांकि मेल्स भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम चिलब्लेन्स कहते हैं, जो कॉमनली हमारे पैरों में, पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें होता है। इसके अलावा हमारे हाथों की उंगलियों में भी ये हो सकता है, और जो हमारे ईयर लोब्स होते हैं और जो नोज होती है टिप, वहाँ भी चिलब्लेन्स हो सकता है। मेडिकली चिलब्लेन्स है क्या? बेसिकली इज ए काइंड ऑफ बर्न, ट्रोमा और इन्फ्लामेशन। आप इसको बर्न भी कह सकते हैं, विच इज कॉज्ड बाय कोल्ड। कोल्ड के द्वारा भी बर्न होता है, एक तो हीट के द्वारा बर्न होता है, एक कोल्ड के द्वारा बर्न होता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ बर्न कॉज्ड बाय कोल्ड, और ए काइंड ऑफ ट्रोमा caused by cold, or medically it is a inflammation which involve subcutaneous or digital blood vessels. इसको अगर मैं बहुत simple language में आपको समझाऊं तो cold के कारण हमारी skin और skin के नीचे पाए जाने वाली जो blood capillaries हैं वो damage हो जाती हैं, उसको हम chilblains कहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली जो हमारी फिंगर्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डायमीटर, जो उनका ल्यूमन होता है, जो डायमीटर होता है, वो सिर्फ उस हिसाब से होता है कि हमारी फिंगर्स को नॉर्मल ब्लड की सप्लाई मिलती रहे। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा कोल्ड से एक्सपोज होते हैं तो वो जो उंगलियों की जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने से हमारी फिंगर टिप्स की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसमें हम जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि हम उसको एकदम हीटर के द्वारा या आग में उसको सेक लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे फिर वो नॉर्मल से ज्यादा फैल जाती हैं। तो जब वो कोल्ड से सिकुड़ जाती हैं तो उनमें खून की कमी हो जाती है, जब हीट से वो फैल जाती हैं तो उंगलियों में खून की बहुत ज्यादा खून उनमें भर जाता है। ये दोनों ही ठीक नहीं है। ज्यादा अगर उंगलियों में खून भर गया तब भी, और या खून की सप्लाई कम हो गई उंगलियों में तब भी, ये दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए चिलब्लेन्स में हमको सेकना नहीं चाहिए हीटर के द्वारा या आग में, इसको हमको धीरे धीरे एक कपड़े की गर्मी देना चाहिए। जैसे हम थिक सॉक्स पहन लिए हमने या ग्लोव्स पहन लिए मोटे कपड़े के, तो इससे क्या होगा कि जो गर्माहट हमारी उंगलियों में आएगी वो बहुत ग्रेजुअली आएगी और सडन चेंज नहीं होगा ब्लड वेसल के डायमीटर में, तो हमको इश्यूज नहीं होंगे। तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, और ये इसका जो फैक्टर होता है वो एक्सटर्नल है, तो कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान रखें और अपनी उंगलियों को कवर रखें तो हमको रिलीफ इसमें आ जाता है। ये बात सही है कि कुछ लोगों में इसके लिए थोड़ी सी ससेप्टिबिलिटी पाई जाती है, तो ऐसे लोगों में हम क्या देखते हैं कि ज़रा सा कोल्ड का एक्सपोजर हुआ और उनको चिलब्लेन्स डेवलप हो जाती है, और कुछ लोगों को तभी चिलब्लेन्स होती है जब एक्सेसिव एक्सपोजर होता है। इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। इसमें हम सिम्टोमेटिक ड्रग देंगे, जो भी मरीज को प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से इसमें ड्रग चलती है, जो कि मरीज के सिम्टम्स पर डिपेंड करती है, लेकिन ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम पेशेंट की डिजीज़ को चेक भी कर सकते हैं और जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, जिससे मैं आपको रेगुलरली
मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू, गुड बाय।